तो नमस्कार दोस्तों, हमारे पास है यार बुलेट क्लासिक 350। इस गाड़ी के अंदर प्लग वायर में करंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हमने पूरी गाड़ी को खोल डाला है, मतलब सब कुछ चेक किया, सीढ़ियाई नया डाल दिया, पिकअप पाइप चेक कर लिया, सारी लाइन चेक कर ली, कोई वायर ब्रेक नहीं, फिर भी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा है। तो इसमें सब कुछ कर डाले लेकिन करंट नहीं आया, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि अगर इस प्रॉब्लम में कोई परेशान है तो ये वीडियो देखकर आसानी से अपने प्रॉब्लम को सही कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसको झेले हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका देख सकते हैं, मैंने पूरी गाड़ी को खोल रखा है, आगे से पीछे तक पूरी गाड़ी खुली हुई है, मल्टीमीटर पूरा इसका पिकअप कॉइल चेक कर लिए हम लोग, पूरी लाइन चेक कर लिए, सब कुछ लाइन करेंट सप्लाई आ रहा है, तो सारी लाइनें ओके थी। तो इसके लिए हम लोग को शंका हुआ कि भाई ये सीढ़ियाई ख़राब हो सकती है, तो हमने सीढ़ियाई भी नया लगा लिया, ठीक है। सीढ़ियाई लगाने के बाद भी करंट नहीं आया इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ जेल मार के, आप देख सकते हैं थोड़ा भी करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हमने क्लियर कर लिया है। तो इसमें बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको दिखाता है, जो सीढ़ियाई हमने नया डाला है, तो इसके हमने सब कुछ चेक कर लिया, इसका मैंने हम लोगों ने इसका ये फ्यूज़ चेक कर लिया, फ्यूज़ को डायरेक्ट कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया, मतलब करंट इसके अंदर आया ही नहीं। मतलब इतना परेशान होने के बाद गाड़ी हमारी सही हुई, गाड़ी के अंदर करंट आया। तो मैंने सोचा इसको एक वीडियो बनाता हूँ, जो इसको देखकर और किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको सही कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे पिन हैं जो इसके अंदर फिट होते हैं, तो ये पिन एक इसमें से एक पिन ढीला है, मतलब लूज हो गया है, तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, बस इतना ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, और उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर हमने 2-3 घंटा इसको झेला, इसलिए हमने सोचा ये वीडियो बनाऊँ, ताकि मतलब और कोई अगर ऐसा परेशान है तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो मैं इसको सही करके आपको दिखाता हूँ कितनी आसानी से ये सही हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, एक वायर का टुकड़ा लेना है, उसको ऊपर से इसका प्लास्टिक उसको छील लेना है, और लंबा लंबा सा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें से कुछ वायर निकाल लेना है, मतलब 6-7 वायर इसमें से निकालना है, और उसको ऐंठ लेना है, घुमा लेना, मतलब एकदम टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करके एक लंबा सा निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कट करके निकाल लीजिएगा। इसके बाद जो साकेट में जो पिन है उसके अंदर हमें इसको डाल लेना है, ठीक है, ताकि मतलब सीढ़ियाई में लगने के बाद जो लूज कंटेक्ट है वो एकदम टाइट हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक ही वायर लूज है, कोई इसमें एक वायर लूज है, या तो अर्थिंग वायर लूज होगा या तो मेन वायर लूज होगा, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि वायर कौन सा लूज है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सभी पिन में एक एक थोड़ा थोड़ा वायर डाल लेना, मतलब हम क्या करेंगे 6 के 6 वायर 6ों में थोड़ा थोड़ा करके वायर डालेंगे, ठीक है। तो एक में डाल लिया, हमें दूसरे में डालेंगे, ये हम दूसरे वाले में डाल लिए, अब ऐसा कर करके हमें 6 वायर है जो 6 के 6 वायर में इस तरह से डाल लेना है, ठीक है। तो ये हमने सारे पिन में वायर को डाल लिया कटिंग करके, अब हम इसको सीढ़ियाई को इसमें फिट कर देंगे, ठीक है। ऐसा फिट करने से क्या होगा, सीढ़ियाई का वायर जो लूज कनेक्शन है वो पूरा एकदम टाइट हो जाएगा, इसमें लूज कनेक्शन का ही प्रॉब्लम था और कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया, और अब हम आपको चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके, आपको दिखाते हैं करंट आया कि नहीं सेल्फ मार के, ठीक है। सेल्फ मारा भाई, तो देखा आप, तो आपने देखा एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक छोटा सा प्रॉब्लम था इसमें कि एक कोई वायर एक ढीला था, इसकी वजह से हमको एक सीढ़ियाई डालना पड़ा, उसको सारा टंकी खोल कर पूरा वायरिंग चेक करना पड़ा, ठीक है। मैंने टंकी खोला, सारा वायरिंग को चेक किया, सब कुछ ओके था, उसके बाद सीढ़ियाई नया मंगाया, सीढ़ियाई लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं चालू हुई, तो मुझे समझ में आया यार ऐसा हो सकता है, मतलब कोई ना कोई वायर इसमें से ढीला होगा। तो इसमें तो वायर तो एक ही ढीला होगा, या तो अर्थिंग ढीला होगा, या तो मेन सप्लाई वाला ढीला होगा, या तो पिकअप वायर का ढीला होगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि कंफर्म तो है नहीं कौन सा ढीला है, इसके लिए हमने सब में पैकिंग देकर लगा दिया, ठीक है। तो हमारी गाड़ी में करंट आ गया है, तो अभी हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो चुका है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से सही कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।